आज हम लोग इंटरमीडिएट की 10वीं पोइम द सॉन्ग ऑफ द फ्री का अध्ययन करेंगे। इसके कंपोजर स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुई। विवेकानंद जी पर श्री अरविंदो रविन्द्रनाथ टैगोर और योगानंद जी का बहुत प्रभाव था। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो अर्थात विश्व धर्म संसद शिकागो में भाग लेने के लिए गए, जहां इन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर विस्तृत व्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान के बाद ही स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। तो आज की हमारी ये पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री स्वामी विवेकानंद की धार्मिक पुट रखने वाली है। ये बहुत ही प्रेरणादायी कविता है। तो हम देखते हैं आज की पोयम द सॉन्ग ऑफ द फ्री। लिखते हैं, द वॉन्डेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स द फ्लेम स्टार्ट अप डूथ व्लेज द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ इट स्ट्रिक लायंस रेज। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ये दिखाना चाहते हैं कि विभिन्न शक्तियाँ अपनी विशिष्ट शक्ति को तब उजागर करती हैं जब उनके सामने विपरीत परिस्थितियाँ हों। क्या बताया कि घायल सर्प अपना फन फैला लेता है, अर्थात जब वो साधारण स्थिति होती है तो सर्प अपना फन नहीं फैलाता है, जब उसको घायल किया जाता है तब वह अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि अगर आग को कुरेदा जाता है तो उसके अंदर से लपटें निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक इसी तरह से बताते हैं कि जब शेर को घायल किया जाता है तो उसके क्रोध की जो चीख होती है पूरे रेगिस्तान की हवा में प्रतिध्वनित होती है। आगे लिखते हैं, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूड स्ट्रेंथ व्हेन लाइटिंग क्लीव्स इट्स वेस्ट व्हेन द सोल इज स्टार्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर वेस्ट। और यहाँ वही उसी तरह का उदाहरण और दे रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में ही विशिष्ट उजागर होता है। तो लिखते हैं कि जब बादलों के सीने को आसमान की बिजली चीर देती है तब बादल
प्रलयकारी वर्षा किया करते हैं, ऐसी वर्षा करते हैं जिससे बाढ़ आ जाए। ठीक इसी तरह से और आगे बताते हैं, यहाँ आ जाते हैं अपनी असली बात पर जो कहना चाह रहे हैं। क्या कहा कि व्हेन द सोल इज टायर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर वेस्ट। क्या बताया कि जब मनुष्य की आत्मा को अंदर तक कुरेदा जाता है, छिड़ा जाता है, या मनुष्य खुद ही अपनी आत्मा को बहुत अधिक प्रताड़ित करता है, तब उसके अंदर से विशेष गुण उत्पन्न होते हैं। या हम समझने के लिए गौतम बुद्ध का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने अपने शरीर को इतना प्रताड़ित किया कि वो कंकाल की तरह से रह गया था, और तब उनके अंदर से एक विशेष गुण जो की विशेष पहचान बना, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ यही बताना चाह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी कि जब मनुष्य की आत्मा को अंदर तक कुरेदा जाता है, छिड़ा जाता है, उसका टॉर्चर किया जाता है, तब उसके अंदर जो विशेष गुण होते हैं वो प्रकट होकर के आते हैं, उजागर होते हैं। यहाँ आगे लिखते हैं, लेट आइज ग्रो डिम एंड हर्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंड्स फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। बता रहे हैं कि कितनी भी विपरीत वस्तियां आ जाए, क्या कहा कि आंखों की रोशनी जाने दो, अर्थात अगर आपकी आंखों की रोशनी मंदिम होती, आप अंधे हो जाते हैं, तो हो जाने दें। और अगर आपका हृदय कमजोर होता है, छीड़ होता है, तो उसको हो जाने दें। अगर आपको आपकी दोस्ती टूट जाती है, मित्रता असफल हो जाती है, तो हो जाने दें। और अगर आपको प्यार में धोखा मिलता है, आपके साथ प्यार में दगा होता है, तो होने दें। अगर आपका भाग्य ही आपके लिए हजारों कठिनाइयां लेकर आता है, तो उसको लाने दें। यदि अंधकार आपके रास्ते को बाधित कर देता है, तो अंधकार को आपका रास्ता बाधित होने दें। और आगे लिखते हैं, हाँ ये सारी के सारी विपरीत वस्तियां हैं, अगर ये इस तरह की प्रतिकूल वस्तियां आती, विपरीत वस्तियां आती हैं, तो आने दें। और लिखते हैं, एन नेचर वोर एन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, स्टिल नो माई सोल यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल। क्या कहा कि यदि प्रकृति खुद साक्षात क्रोध का रूप धारण कर भ्रकुटी तान लेती है, किसके लिए, टू क्रश यू आउट, तुम्हें पूरी तरह से कुचल देने के लिए, पूरी तरह से नष्ट कर देने के लिए, तो उसे ऐसा करने दें। क्या कहा कि आप ये जानें, आप आत्मा हैं और आप दैवीय हैं, आप पारलौकिक शक्ति जो है, जो डिवाइन है, जो ईश्वर है, उसका ही आप अंश हैं। आप ये जान लें कि आप आत्मा हैं, और आत्मा अजर अमर होती है, इससे न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है। तो क्या है कि आप दैवीय हैं, आप इस बात को समझें, आप आत्मा हैं, इस बात को समझें। और क्या कहा कि आप आगे बढ़ते रहें, और आगे बढ़ते न रहें, न बाएं और न दाएं, केवल अपने लक्ष्य की तरफ। क्या बताया, पूरी पोएम का जो सार है यही है कि आप यह समझें कि आप आत्मा हैं और आप दैवीय हैं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिना भटके सदैव आगे बढ़ते रहें। जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए, चाहे आपके सामने कितने भी विविधान क्यों ना आए, कितनी भी आपके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हों। तो इस तरह से यह पोएम हो जाती है। थैंक्स।